दोस्तों अभी रिसेंटली हीरो मोटर कॉर्प की तरफ से एक नया यूनिक इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर को लॉन्च किया गया है, तो उसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेलली जानते हैं। जानने से पहले शाबू उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए जानते हैं 2-in-1 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा सर्ज S32 के बारे में। सर्ज ईवी हीरो मोटर कॉर्प का ही एक स्टार्टअप है। इस ब्रांड को हीरो मोटर कॉर्प इसी तरह के यूनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इस्तेमाल कर सकता है या स्पेशली फॉर इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। वैसे सर्ज ईवी पहली बार 2020 में हुए ऑटो एक्सपो में क्वर्क नाम से अपना कॉन्सेप्ट 1 को शोकेस किया था। उसके पूरे 4 साल बाद इस साल हुए भारत मोबिलिटी शो के अंदर सर्ज अपना यूनिक मॉडल S32 को अनवील किया है और कंपनी प्लान कर रही है इसी साल इस मॉडल को मार्केट में लॉन्च किया जाए। शायद इसी वजह से कंपनी ने इस मॉडल के कुछ ही डिटेल्स जैसे कि स्पीड, बैटरी कैपेसिटी, मोटर पावर को ही रिवील किया है। बाकी सभी स्पेसिफिकेशन और में भी लॉन्च के वक्त ही रिवील करने वाले हैं। अगर हम सर्ज S32 के डिटेलिंग में चलते हैं तो कंपनी ने इसके नाम में ही इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। इस मॉडल का नाम कंपनी ने S32 रखा है। S यानी सर्ज, 3 यानी थ्री व्हीलर, 2 यानी टू व्हीलर, दोनों व्हीकल को मर्ज करके एक व्हीकल बनाया है। यानी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस व्हीकल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आपको इस्तेमाल करना है टू व्हीलर तो टू व्हीलर को आप इससे अलग करके टू व्हीलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपके बिजनेस के लिए आपको थ्री व्हीलर इस्तेमाल करना है तो टू व्हीलर को फिर से इससे मर्ज करके आप एक थ्री व्हीलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सब करने में सिर्फ 3 मिनट का टाइम लगने वाला है। और कंपनी ने इस यूनिक कॉन्सेप्ट को बनाने के चक्कर में अपने डिजाइन में भी कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। आप अगर टू व्हीलर को अलग करेंगे तो आपको कहीं पे भी नहीं नजर आएगा कि ये थ्री व्हीलर से अलग किया हुआ टू व्हीलर इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप थ्री व्हीलर के साथ मर्ज करेंगे तो आपको ये भी नहीं लगेगा बाहर से कि ये टू व्हीलर से साथ मर्ज होकर थ्री व्हीलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। काफी अच्छा डिजाइन कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कंपनी ने इस्तेमाल किया है। और ये दोनों व्हीकल को इंडिविजुअली इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी वजह से इन्होंने दोनों का पावर ट्रेन जो है वो अलग अलग से रखा है। यानी इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर अलग से बैटरी, अलग से मोटर मिलते ही है, और थ्री व्हीलर का जब इस्तेमाल करेंगे तो उसकी बैटरी, उसका पावर ट्रेन अलग ही होने वाला है। लेकिन जो कंट्रोलर है वो एक ही हैंडल से होने वाला है, यानी स्कूटर के हैंडल से ही थ्री व्हीलर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके लिए कुछ प्लग्स को प्लग इन करना होगा, उसके बाद थ्री व्हीलर का इस्तेमाल कर सकते हैं या अनप्लग करके टू व्हीलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले ही बात की, कंपनी ने दोनों व्हीकल के अंदर अलग अलग पावर ट्रेन दे रही है, तो दोनों के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो डिफरेंट होने वाला है। अगर टू व्हीलर को इस्तेमाल करेंगे तो जिसके अंदर 3 किलोवाट की मोटर पावर मिलने वाली है, 3.5 किलोवाट आवर की बैटरी मिलने वाली है, 60 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलने वाली है। अगर हम इस टू व्हीलर को थ्री व्हीलर में ट्रांसफर करके यूज करेंगे तो तब मोटर पावर 10 किलोवाट की मिलने वाली है और इसके लिए 11 किलोवाट आवर की बैटरी दी जा रही है। इसकी टॉप स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की मिलने वाली है। और अभी इन्होंने कार्गो सेगमेंट के लिए इस मॉडल को रिवील किया है, तो जिसके अंदर 500 kg का पेलोड डाल सकते हैं। और अभी इस प्लेटफॉर्म के लिए हीरो मोटर को अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर विदा के ही रिमूवेबल बैटरी इस्तेमाल किए हैं। अगर हम टू व्हीलर इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर 2 रिमूवेबल बैटरी दिया जा रहा है, और थ्री व्हीलर इस्तेमाल करेंगे तो जिसके अंदर 4 से 6 बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आसानी से बैटरी रिमूव करके घर पे लेके जाके चार्ज भी कर सकते हैं, और बाकी कंप्लीट डिटेल्स तो आना ही है। और अभी हमने सर्ज S32 को टू व्हीलर से इलेक्ट्रिक कार्गो ऑटो रिक्शा में कन्वर्ट होते देखा है, लेकिन कंपनी के तरफ से बताया जा रहा है कि ये पैसेंजर सेगमेंट में भी इसी तरह का ऑटो लेके आने वाले हैं, और इसके अलावा भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये मॉडिफिकेशन का भी ऑप्शन देने वाले हैं। तो शायद हो सकता है पैसेंजर सेगमेंट में आने वाले इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के अंदर अलग परफॉर्मेंस मिले। इस तरह के यूनिक व्हीकल को कॉन्सेप्ट मॉडल में बदलना आसान हो सकता है कंपनियों के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट से रियलिटी में बदलने के लिए बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इनमें से सबसे पहले व्हीकल का कैटेगराइजेशन करना और इस व्हीकल को एंड यूजर तक पहुंचाना। तो इसी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हीरो मोटर का आपको गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही है। इसके चलते रिसेंटली एक न्यूज निकल कर आई है कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने आदेश जारी किए हैं इस टू व्हीलर कम थ्री व्हीलर के लिए एक सेपरेट कैटेगरी L2-5 को क्रिएट करने के लिए। इस कैटेगरी में ये दोनों व्हीकल का एक ही रजिस्ट्रेशन होने वाला है और दोनों के लिए एक ही नंबर प्लेट जारी किया जाने वाला है। इस तरह से गवर्नमेंट एक नई व्हीकल कैटेगरी क्रिएट करना पहली बार नहीं है। इससे पहले भी क्वार्टर साइकिल के नाम से एक नई कैटेगरी बनाई गई थी स्मॉल फोर व्हीलर्स के लिए, जिसके अंदर बजाज क्यूट और महिंद्रा का आटोम जैसे कार आते हैं। तो कंक्लूजन देखा जाए तो फाइनली भारत में भी थ्री व्हीलर को लेकर कुछ इनोवेटिव किया जा रहा है इलेक्ट्रिक के बदौलत। इलेक्ट्रिक की यही खास बात है, मोटर और बैटरी को इस्तेमाल करके अनलिमिटेड इनोवेशन कर सकते हैं।
हैं। और इसके अलावा कंपनी ने अभी सर्ज S32 का तो प्राइस रिवील नहीं किया है, लेकिन ये फिलहाल मार्केट में मिलने वाले इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के प्राइस रेंज में अगर लॉन्च करेंगे तो काफी फायदा हो सकता है, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को खरीदेंगे तो टू व्हीलर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक का पैसा दे के दो का मजा ले सकते हैं। बाकी इसका प्राइस के ऊपर ही डिपेंड होगा ये मार्केट में कितना सक्सेस होगा, क्योंकि इसका प्राइस अगर टू व्हीलर थ्री व्हीलर का मिला के रखेंगे तो लगभग 5 से 6 लाख तक आराम से जाएगा। इतना पैसा देके तो ये ऑटो रिक्शा लेना में भी अनसक्सेसफुल हो सकता है, अगर प्राइस रेंज सही से डिसाइड करेंगे तो काफी सक्सेस हो सकता है इंडियन मार्केट में। बाकी इसके सभी फायदे और नुकसान जो है इसका कंप्लीट लॉन्च होने के बाद, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आने के बाद ही हम डिस्कस करेंगे। वैसे आपका ओपिनियन नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। तो दोस्तों ये था सर्ग S32 के लॉन्च से पहले की डिटेल वीडियो। लॉन्च के बाद कंप्लीट डिटेल के साथ एक नई वीडियो लेके आएंगे, उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं एक और नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।